हाय गाइस, आई एम पूनम फ्रॉम योर लाइफ माय लाइफ से। आज मैं बनाने जा रही हूँ तीन प्रकार रेसिपी जो वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है और ये टोटली 100% होममेड है। और मैं यहाँ पे होममेड मतलब घर की इंग्रेडिएंट के साथ बनाने जा रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो मैं यहाँ पे तीन प्रकार का जो आइसक्रीम दिखाने जा रही हूँ, जहाँ बेसिक है वैनिला आइसक्रीम, दूसरा है कीवी आइसक्रीम एंड तीसरा है मस्क। तो ये आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने पहले से कीवी एंड मस्क मेलन को अच्छे से इसका पल्प निकाल ली हूँ, जिसके लिए मैं पहले कीवी को एंड मस्क मेलन को अच्छे से धो चुकी हूँ एंड उसको कट करके मिक्सी जार में इंडिविजुअली ब्लेंड कर चुकी हूँ। और ब्लेंड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा जिसमें इसका कोई क्रिस्टल ना रहे। तो मैं यहाँ पर मस्क मेलन क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मस्क मेलन में बहुत ज़्यादा विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर रहता है एंड मिनिमम फैट रहता है। जो फाइबर एंड पोटेशियम भी होता है जो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिस कारण हम लोग के लिए वेट लॉस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं यहाँ पर मस्क मेलन का आइसक्रीम दिखा रही हूँ। आप लोग इसी तरह से स्मूदी भी बना सकते हैं एंड सलाद भी अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं मस्क मेलन को, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है। एंड दूसरा है कीवी। कीवी में भी विटामिन ए, सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो फाइबर होता है, जो हेल्पफुल होता है वेट लॉस के लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों को रख चुकी हूँ। और यहाँ पे जो मैं क्रीम लिया हूँ मतलब कि मलाई लिया, वो होममेड है, ये 5 दिन का फ्रेश मलाई है। मैं फ्रिज में इसको स्टोर किया हूँ एंड कीवी तो आपको पता ही है। तो इसको बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। देखिए जितना मलाई है जब तक मैं डबल ना हो जाए तब तक हम लोग ब्लेंड करते रहेंगे, पर इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा करेंगे तो मलाई से मक्खन निकलना स्टार्ट कर देगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा घर का मलाई यूज़ करने, अगर घर का मलाई अवेलेबल ना हो तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देखिए जिस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसी तरह से आपको कंटिन्यू ब्लेंड करते रहना होगा। और मलाई भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थफुल, क्योंकि मलाई में विटामिन ए, सी, विटामिन टू, विटामिन 12 भी होता है, आयरन होता है, फॉस्फोरस होता है। यहाँ पर जो फैट भी होता है वो वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिट फैट होता है जो, एंड इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी होता है। तो हम लोग ये स्टेज में डाल रहे हैं कंडेंस मिल्क, ये भी होममेड है। अगर इसका रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में ज़रूर सर्च कर सकते हैं। इवन इसका लिंक मैं इस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप लोग डायरेक्टली जाके वहाँ से भी चेक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से जैसे मैं घुमा घुमा के ब्लेंड कर रही हूँ, इसी तरह से आप लोग को ब्लेंड करना होगा। आप किसी के पास अगर हैंड ब्लेंडर ना हो वो स्टेज में आप लोग मिक्सी जार में भी अच्छे से ब्लेंड करना होगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर बहुत अच्छा आइसक्रीम उसमें भी बनता है। एंड इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर को ऑफ कर देते हैं एंड देन इसको साइड में रखते हैं एंड 3 बाउल लेते हैं एंड तीनों में हम लोग इक्वल पोर्शन में जो बेसिक इंग्रेडिएंट का जो मतलब आइसक्रीम का बेस है हम लोग इक्वली डिवाइड कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हर बाउल में इक्वली डिवाइड करने के बाद हम लोग इसको हम लोग दिखाएंगे किस तरह से आइसक्रीम बना रहे हैं, जो बेसिक आइसक्रीम की भी आइसक्रीम एंड मस्क मेलन आइसक्रीम। आइसक्रीम दिखाने के लिए तो यहाँ पर मैं पहले डाल रही हूँ मस्क मेलन मतलब कि खरबूजा का पल्प, जो मैंने 250 ग्राम यूज किया। तो ये मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करूँगी। और मुझे इसको कोई हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर मस्क मेलन के कुछ चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर कोई चंक्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली सिर्फ पल्प ही यूज़ कर रही हूँ। एंड ये बहुत अच्छे से मिक्स करना होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किया, एक है घर का मलाई, दूसरा है होममेड कंडेंस मिल्क और तीसरा है मस्क मेलन का पल मतलब कि खरबूजा का पल। तो ये 3 इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे मैं कलर डाल रही हूँ, ये एकदम टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स। अगर आप लोग चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। मैं 2-3 बूंद मतलब कि ऑरेंज कलर में ऐड कर रही हूँ, जिससे इसमें कलर थोड़ा सा अच्छा लगे और थोड़ा सा खाने में टेम्पटिंग लगे और आई कैचिंग भी हो। तो यहाँ पर मैं एक क्लीन रैप के द्वारा इसको अच्छे से रैप कर दे रही हूँ, जिससे क्या होगा इसमें इसके ऊपर जो बर्फ ना जमे इसको मैं डायरेक्टली फ्रिज में रख देती हूँ। एंड दूसरा मैं ले रही हूँ कीवी आइसक्रीम का बेस। तो कीवी आइसक्रीम के लिए मैं कीवी जो है मैं इसको भी डाल दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके एंड इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड मिक्स करने के बाद हम लोग इसको इसमें भी
सेम हम लोग यहाँ पर फूड कलर ऐड करूँगी, बट ये टोटली ऑप्शनल है। आपको तीन ही इन्ग्रीडियंट से आप ये आइसक्रीम बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कलर इतना कंपलसरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से भी मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2-3 ड्रॉप्स डाल रही हूँ क्रीम कलर, मैंने हरा रंग। तो देखिए उसमें कलर थोड़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता लगेगा कि एकदम से कीवी खा रही हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो मैं यहाँ पे भी फिर से एक क्लीन रैप ले रही हूँ एंड इसको भी हम लोग अच्छे से कवर करके मैं साइड में रख देती हूँ। एंड तीसरा मैं यूज़ करूँगी वैनिला आइसक्रीम। तो वैनिला आइसक्रीम के लिए भी फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगी, क्योंकि बेसिक वैनिला आइसक्रीम के लिए तो बेसिक मैंने आइसक्रीम के लिए जो बेस है वो तो इक्वली है। तो मैं यहाँ पे वैनिला एसेंस डाल दे रही हूँ 1-3 ड्रॉप एंड उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी 1 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पे अमंड्स एंड नट्स का डालूँ, क्योंकि अमंड्स एंड जो क्या कहते हैं काजू का जो खुद का जो फैट होता है बहुत हेल्पफुल होता है वेट लॉस के लिए। इसका जो ट्रांसजेंड फैट होता है वो वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, इसीलिए मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो यहाँ पे रेडी है 3 आइसक्रीम का बेसिक, एक है कीवी आइसक्रीम, दूसरा है मस्क मेलन एंड तीसरा है वैनिला आइसक्रीम विथ ड्राई फ्रूट्स। अब इसको मैं 8-9 घंटे के लिए फ्रीजर में फ्रीज कर दूंगी। यहाँ पे 8-9 घंटा हो चुका है, आइसक्रीम पूरी अच्छे से मेरा सेट हो चुका है। अब मैं इसको इंडिविजुअली निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से बने हैं। तो मैं पहले आपको दिखा रही हूँ वैनिला आइसक्रीम, ये इसका आइसक्रीम बहुत अच्छे से बना है बिकॉज इसमें कोई भी फ्रूट्स नहीं डाले हैं, तो इसमें कुछ भी चांसेस नहीं है। एंड दूसरा है मस्क मेलन, देखिए इसका कलर एंड टेक्सचर बहुत अच्छा क्रीमी हुआ है। एंड तीसरा है फ्रेंड्स मैं दिखा रही हूँ कीवी आइसक्रीम, तो इसका भी मैं क्लीन रैप ओपन कर दे रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। तो तीनों आइसक्रीम का टेस्ट एकदम डिफरेंट है, कीवी का अलग, मस्क मेलन का अलग एंड वैनिला का अलग। अगर आप कीवी आइसक्रीम खा रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको लगेगा कीवी खा रहे हैं, थोड़ा सा खट्टा मीठा रहेगा। मस्क मेलन का खुद का जो फ्लेवर है एकदम उभर के आता है, लगता है आप मस्क मेलन, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कितना अच्छा बना है। एंड इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चॉकलेट सॉस के साथ एंड थोड़ा सा एक आइसक्रीम स्टिक के साथ मैं डेकोरेट कर रही हूँ, अच्छे से गार्निश कर देती हूँ जो खाने में और भी अच्छा लगा दे। तो इसी टाइप का वेट लॉस हेल्दी होममेड आइसक्रीम एकदम से रेडी है। एक है आपका मस्क मेलन आइसक्रीम, मतलब कि खरबूजा आइसक्रीम, देखिए कितने अच्छे से बने। दूसरा है कीवी आइसक्रीम, वो भी बहुत हेल्दी है। एंड तीसरा है वैनिला विथ नट्स। तो आप लोग ये तीनों आइसक्रीम घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने का मुझे बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उसके बारे में भी बता सकते हैं कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब के बगल में जो हिट बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।